पंजाब में किसान संगठनों के द्वारा रेल रोको आंदोलन जारी है। 3 दिन तक ये रेल रोको आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन जो लोग जिनकी ट्रेन की टिकट थी, जिन्होंने आगे जाना था रेल यातायात के माध्यम से, वो फंस गए हैं। हम इस वक्त जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन पर, आप यहाँ देखिए लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनको आगे जाना था, लेकिन आगे जाने के लिए जो ट्रेन्स हैं वो रद्द हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि रेलवे ट्रैक्स पर किसान धरना लगाकर बैठे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों ने कहाँ जाना था, कहाँ के लिए निकले थे आप लोग? जालंधर से, बडाला से। जालंधर से जम्मू के लिए? हाँ जी, जम्मू जाना। तो अभी ट्रेन्स तो है नहीं, ट्रेन्स तो सब रद्द हो गई हैं, कैसे जाएंगे आप बच्चों के साथ? अभी वेट कर लेते हैं। कितनी देर से बैठे हैं आप लोग? 10 बजे थे। तो आपको पता नहीं कि 3 दिन ट्रेन चलेंगी नहीं? अब नहीं, सानू नहीं पता, नहीं सुना, इतने आने के पता चलेगा। तो लोगों को पता नहीं है और स्टेशन पर आकर पता लग रहा। आपने कहाँ जाना था? हमें सिवान जाना है सर। सिवान? हाँ। बिहार? बिहार। तो आप टिकट कन्फर्म है आपकी? हमारे यहाँ से टिकट कन्फर्म है, हमारे साथ बच्चे हैं, हम बहुत परेशान हैं। वो आपका परिवार बैठा नीचे? सारे हमारे परिवार है सर। अभी हम गए थे वो पूछताछ केंद्र पर, तो वहाँ पर कोई बंदा बैठा ही नहीं है कि ताकि जाएगी कि नहीं जाएगी, हमें पता लगे तो हम अपना कोई दूसरा व्यवस्था। रेलवे कह रहा है कि 3 दिन तक ट्रेन या तो जाएंगी नहीं या फिर डाइवर्ट किया जाएगा, लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा। तो उधर से भी सर, जालंधर सिटी से भी उधर भी बैठे हैं कि उधर से गाड़ी वो जा सकती है? सही, कई जगह पर बैठे हुए हैं किसान। तो अभी आपको कोई जानकारी नहीं दी कि आपकी ट्रेन कब आएगी? कोई जानकारी नहीं। आप लोग कितने घंटे से बैठे हैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन पर? बैठे हैं। कहाँ जाना है आपने? जम्मू जाना। तो अब ट्रेन नहीं मिलेगी, फिर कैसे, बस से जाएंगे? अब फिर बस से ही जाऊँगा, की करना फिर, बस से नहीं जाऊँगा, कितना कितना जाना जाना पैना ही है, वो ट्रक ट्रुक से चल जाएंगे, बस से भी ना लग नाका ला लेंगे, देखते हैं कोई। तो किसान धरने पर बैठे हैं, आप देखिए लोग परेशान हो रहे हैं। जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन पर लोग अपने परिवारों के साथ फंसे हुए हैं। आप देखिए जहाँ धूप में गर्मी में जगह मिल रही है, वहीं पर शेड के नीचे लोग बैठे हैं छाया में, किसी तरह से अपनी ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और जिन लोगों को खासतौर पे पंजाब से उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ जाना है, उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गई है, क्योंकि उनके लिए ट्रेन्स की आवाजाही काफ़ी प्रभावित हुई है। और अगले 3 दिन तक ट्रेन आएगी या नहीं, इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी भारतीय रेलवे की ओर से नहीं दी जा रही। जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9।